वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं जब हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन हो। तो हम इसके अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो वर्कशीट्स प्रोवाइड करी जा रही हैं उसका हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 जुलाई की जो वर्कशीट है वो इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वर्कशीट के बारे में। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत दे रखे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर वो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होती है 2, जिस वजह से नंबर ऑफ ज़ीरो जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। इसके अंदर दो फार्मूलाज दे रखे हैं राइट हैंड साइड पे, सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी अपॉन ए। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करे गए हैं सारे सारे टॉपिक को, या आप खुद सेल्फ स्टडी कर लें। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए चलते हैं सीधा सीधा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। लेट अस डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन इज सेइंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर -4 एंड -6। सो वी रिप्रेजेंट जीरोज एज अल्फा -4, बीटा -6। किसी भी अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 0102 भी हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग सम ऑफ ज़ीरोज। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दोनों को सम करना है। सो -4 प्लस -6, दैट इज -4 प्लस माइनस -6, आंसर इज -10। सो ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ ज़ीरोज। सेकेंड चीज उन्होंने पूछी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। सो प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो हमारा क्या है -4 मल्टीप्लाई -6। सो जिसका आंसर हो गया 6 4 24। सो आंसर इसका हो गया +24, +24, बिकॉज माइनस माइनस प्लस। अब सेकंड चीज़ उन्होंने पूछी व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ बी। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो ये बी पूछ रहा है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बन चुकी है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, अगर हम इसको हटा देते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ओके, सो इसके नीचे क्या है 1। सो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू -10 अपॉन 1। सो ए की वैल्यू 1 हो गई, माइनस बी की वैल्यू -10। सो माइनस बी की वैल्यू -10, माइनस माइनस कट गया, बी की वैल्यू क्या हो गई 10। सो ये हो गया हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके अंदर बोला है कि आप फाइंड करो सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक तो आपको लॉन्ग वे पता ही है कि जिसके अंदर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद हम सम इसका कर सकते हैं। बट अभी क्या है, हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है जो आपको पता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर एग्ज़ाम में कोई दिक्कत होती हो तो आप इस तरीके से इसको मार्क भी करके मतलब उसके नीचे लिख के देख लें। तो मुझे क्या चाहिए, बी और ए चाहिए इसके लिए। तो ये देखें, ए क्या है 6 और बी क्या है 11, 11 हो गया, और सी क्या है 5। तो मैं इसके अंदर इनकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर दूंगा, -b -11 अपॉन ए क्या है 6। तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोस क्या हो गया, -11/6। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसके अंदर दिया है कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ -10 है एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ -39 है, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालनी है। तो
इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि मैं सम ऑफ जीरोस को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस 10/1। डिनोमिनेटर में ज़रूर लिखें बिकॉज उसको फ्रैक्शन में चाहिए। एंड प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, सी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस 39/1। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यहाँ पर सेम है तो बहुत ही बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू। सी यहाँ पे आप लकी हैं कि यहाँ पे माइनस है या माइनस है, दोनों में जगह हट गया तो आंसर आ जाएगा 10। सपोज यहाँ पर माइनस नहीं होता तो आंसर क्या आ जाता, -10। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें और क्वेश्चंस में आपको मदद होगी। और सी हो गया डायरेक्टली -39। हमें पता है एज वी नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए क्या है 1, 1x² प्लस बी क्या है 10, 10x प्लस -39। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम लिखेंगे x² प्लस 10x -39। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर सम ऑफ द जीरोज दे रखा है 15/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 3। तो सम आपको पता है क्या होता है, -b/a इट इज 15/4 एंड प्रोडक्ट क्या होता है, c/a दैट इज 3/1। यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेंगे। कैसे सेम कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करके। अगर कोई डिफरेंट नंबर होता है हम एलसीएम लेते, ध्यान रखें। तो इसका आंसर हो गया 12/4। अब डिनोमिनेटर सेम है, हमें पता है कि देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो गई 4, बी की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि -b=15। माइनस को हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा -15। और सी की वैल्यू हो गई डायरेक्टली 12। तो हमारे पास ए बी और सी आ गए। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, एज वी नो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है 4x², बी क्या है -15x प्लस सी क्या है 12। सो 4x² -15x प्लस 12 हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सो आज की वीडियो में इतना ही, आने वाली और वीडियोस में हम और भी ऐसे क्वेश्चंस देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।